अब तक आपने देखा। माँ भाऊजी, करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर ना मैंने एक घोषणा करनी है। कैसी घोषणा? कि मैं लाखा सिंह अलावत अपनी धर्म पत्नी कोमल सिंह अलावत को पहलवान कोमल सिंह अलावत बनाकर एक नया नाम और एक नई पहचान देने की घोषणा करता हूँ। अब आगे तो बढ़ो, एक तू मन ने बता तो कुश्ती करेगी ना? आप सच में मन ने कुश्ती लड़ने की इजाजत दे रहे हो? ना बढ़ो, इस बार इजाजत ना, मैं दिल से चाहता हूं कि तू कुश्ती करे। अगर तन्ने क्रांति के मशाल लेके भागना है ना, तो तुम्हारी लाश पे से भागना होगा। कोई यो बात समझ ना आ रही कि जो छोरियां हवाई जहाज उड़ाए, फौज में जाए हैं, देश संभाले हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं ना, वो घर ना संभाल सके हैं? थारे को कुश्ती चुन के भोलेनाथ का साथ छोड़ना है, या फिर कुश्ती छोड़ के आज महाशिवरात्रि वाले दिन अपने भोलेनाथ के पास जाना है? बोलना पड़ो। लक्की जी, मैं इब्बी हाँ नहीं बोल सकती। पर क्यों? माँ जी, लक्की जी चाहते कि मैं कुश्ती लड़ूं। पर अगर आपको इस फैसले से कोई भी आपत्ति हो तो आप इब्बी बता दीजिए माँ जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी फैसले से आपको दुख पहुंचे। अच्छा किया बड़ो, तूने मारे से पूछ ही लिया। अभी तक तो तू अखाड़े में उतरी ना है, लेकिन इस बार जब तू अखाड़े में उतरेगी तो थारी आरती मैं खुद उतारूंगी। सच माँ जी? लखा बेटा दबास, कोमल बेटा अब तू बिंदास होके कुश्ती कर, सारा परिवार तेरे साथ है। लक्की जी, मैं कुश्ती लड़ूंगी। जी मैं जटा सिंह, आप सभी लोगों को जी थैंक यू बोलन आया हूं। और जी तुम्हारी वजह से, वो खासकर प्रज्ञा जी की वजह से साड़ी सारी शूटिंग कंप्लीट हो गई जी, कंप्लीट हो गई। बाकी के एलो जी पै। उत्तरी प्रज्ञा जी,
प्रज्ञा जी उठो, प्रज्ञा जी क्या हो गया आपको? उठो, पानी दो। पानी पिलाओ यार। प्रज्ञा जी ये पानी पिलाओ। बस पानी चल। ओ जी ठीक हो तुसी? तो गुरु जी पिछली बातों को भूल गए कि आप बड़ों को अखाड़े में दाखिला देंगे और उसको कुश्ती सिखाएंगे? बिल्कुल दूंगा। तो मतलब कल से वो ट्रेनिंग के लिए आ सकती है ना? ना लाखा, कल से नहीं। वो क्या है कि मारे को भी एक घोषणा करनी थी लेकिन सारी बातों में बात ही भूल गया। ऐसा है कि अपना बाला वाला स्टेडियम से ना, तो वहां अंतरराष्ट्रीय संघ की तरफ से कुछ अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले हुए। बाहर से बड़े बड़े नामचीन पहलवान भी आए थे, तो उन्होंने मारे को अनुरोध किया कि जो वो पहलवान है वो हमारे देसी अखाड़े का भी अनुभव करना चाहते, तो मैंने उन्हें आमंत्रित कर लिया। तो कल वो सब आएंगे और दोस्ताना मुकाबला होगा, और यही नहीं हम अपने अखाड़े की तरफ से उन सबको मेडल भी देंगे। कल का समारोह हो जाए मालती, उसके बाद बड़ों की ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा। ठीक है बाबूजी। खुश? यह तो घनी अच्छी बात है बाबूजी। उनके आने से हमारे अखाड़े की शान और भी बढ़ जाएगी। इब तो हम सारी तैयारी कर लेंगे। मैं तो इब की भी तैयारी में व्यस्त हो जाती हूँ। सुबह सब कुछ रेडी होना चाहिए ना? हाँ, मैंने ही बहुत सारी तैयारी करनी से। हर को की तैयारी करनी है? हाँ, थोड़ों के नए सफर की। जो इब पहलवान के रूप में शुरू हो रही से। बात चलो फिर शुरू हो जाओ। हाँ। अरे आ रघु आज बैठ। हाँ बोल, क्या बात है? सब वो आज सबके सामने मैंने और लाखा ने कोमल बिटिया को कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी से, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस बात से कोई आपत्ति तो ना से? देख रघु, मैं इस गांव का सरपंच जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी भी तरह की इस अखाड़े के मामले में दखलंदाजी ना की है। तूने इस अखाड़े को अपने खून पसीने से सींचा से। इब अगर कोमल को कुश्ती कराने में तेरे खुशी मिले से ना, तो मुझे किसी भी तरह की आपत्ति ना से। इब तू अपने हिसाब से अपने फैसले ले। आपकी ये जो बोल है ना, ये मारे को बहुत बल देवे से, और आगे जो भी काम करना है उसके लिए हिम्मत भी देवे से। रघु, तू हमारा लाडला भाई से। इब अगर तू कोई भी काम करे तो मैंने कोई एतराज हो सके कि इब जो अपना खेल का उत्सव है ना, उसकी तैयारी में लग जा। जी। चलो आज करवा चौथ वाले दिन लाखा ने घना ही अच्छा काम किया। मैं मंदिर में दिया जला देती हूँ ताकि बड़ों का नया सफर सुखमय और सफल रहे।
भाभी आप देख मालती, पहले तू मेरी बात सुन ले। मैं तेरे तक घनी नाराज। क्यों भाभी, ऐसी क्या बात होगी? तने याद ना है बड़ों ने पिछली बार कितनी बेइज्जती करवाई थी हमारी, और तू आज फिर उसे कुश्ती के लिए बोल बैठी। ये मालती, ये दोबारा नाक कटवाना चाह रही है इस खानदान की तू। मैं तेरी इस बात तक घनी नाराज हूँ। हमे मन बेरा है, जब तक माता का विसर्जन मतलब माता ने सिलान गए तो बड़ों ने तेरी जान बचाई, पर मालती जानते घनी कीमती हो वह इज्जत, और जब इज्जत ही ना है तो इसी जान का के फायदा। समझ गई भाभी, लेकिन आप एक बात भूल रही हो। एक दिन आपने मारे को समझाया था कि हमारे समाज में औरतों की पहचान उनके पति के नाम से होती है, क्योंकि हम औरतों के नाम के आगे उनके पति का नाम जुड़ा होता है। तो भाभी, कोमल के कुश्ती लड़ने का फैसला उसके पति ने ही किया है, तो यो मामला तो पति पत्नी का है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? एक बात और भाभी, कि यो फैसला जो है ना, मारे छोरे ने किया है। माँ होने के नाते मारा भी फर्ज से कि मैं अपने छोरे के फैसले के समर्थन में खड़ी रहूं। गलत हो ना बोल रही? अरे गलत बोल रही हूँ तो आप मारे को टोक दो। और बात रही जब कोमल ने पिछली बार कुश्ती लड़ी थी उसकी, तो भाभी उस वक्त तो उसका पति उसका साथ ना दे रहा था, वो बेचारी क्या करती। लेकिन इस बार बात दूसरी से, उसका पति उसके साथ खड़ा है, पूरा समर्थन दे रहा है, और उसके गुरुजी उनका भी पूरा समर्थन है, पूरा आशीर्वाद है उसके साथ, तो मैं भला क्यों पीछे रहूं? भाभी देख लेना, इस बार पिछली बार जैसा ना होगा। इस बार तो कोमल ऐसी कुश्ती लड़ेगी कि हमारा गांव भी ना, अरे पूरे हरियाणा में उसका नाम होगा, और हमारा परिवार कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे कितनी गर्व की बात होगी हम सबके लिए, सोचो। कि बड़ो बहू नाम करेगी इसकी अनोखी बहू आई है, ये मालती चाप पर है, ये। अरे बड़ो अब बैठ। यो खाना लग कीजिए। तू बैठ ना। मन्ने पता से कि तूने करवा चौथ का व्रत रखा था और तूने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए। पढ़ो। मन्ने माफ कर दे, पढ़ो। माफ की किस बात की लपकी जी? जाने अनजाने में मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया पढ़ो। वो क्या ना कि मैं राणा भाई की बातों में आ गया था। उन्होंने मन्ने बताया कि तूने उनको बताया कि मेरे कंधे पे चोट लगी से, और यहां तक कि मारी हार के कारण भी तू से। एक पल के लिए तो मैंने भी उनकी बातों में विश्वास कर लिया था कि जो मैं मैच हारा हूं उसका कारण तू है। मैंने तेरे पे शक किया बड़ो। अपनी इस बेवकूफी के लिए ना मैं तेरे से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मैंने माफ कर दे। ना लक्की जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? पता नहीं बड़ो, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि तू तो कभी ना चाहती थी कि मैं ये आयरन मैन का मुकाबला लड़ूं। तुझे डर था ना कि इस मुकाबले की वजह से कहीं हमारे परिवार के बीच में दरार ना पड़ जाए। इतने नेक इरादों पर मैंने शक किया बड़ो, पर तन्ने पता कि तुझसे ना मैंने आज एक सीख सीखी से, वो ये कि किसी पर भरोसा करो तो पूरी तरह करो, वरना ना करो। और ये मैं तेरे पर पूरा भरोसा करता हूं बड़ो, मैंने माफ कर दे। लक्की जी, इस समय आप बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हो, इसे ख्याल किसी को भी आ सकते हैं लक्की जी, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आप मेरा यकीन मानो,
राम राम भाभी, ये थोड़ी सी मिठाई लाया था आपके लिए। जी भाई जी, आप यहाँ इस वक्त? भाभी हाँ, इस वक्त पिंड बताए आना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। भाई जी, कोई दिक्कत या परेशानी तो ना से? ना ना भाभी, कोई दिक्कत ना से। एक मिनट, महिंदर मेरे यार, थारे को याद है कि हम दोनों ने एक सपना देखा था कि एक दिन हम दोनों के बच्चे हम दोनों की तरह अखाड़े में उतरेंगे कुश्ती करने के लिए। आज हमारे को लगता है कि वो सपना सच होने जा रहा है। महिंदर, भाभी जानती हो, लाखा ने कोमल को कुश्ती करने की सहमति दे दी है। अच्छा। और इससे भी खुशी की बात पता क्या से? मालती ने लाखा के इस फैसले पर हामी भर दी। बस यही बताना चाहता था मैं। सच्ची भाई जी? भाई जी, आज भी मैंने वो दिन अच्छे से याद से, जब आपने और कोमल के बापूजी ने बच्चों के वास्ते बड़े बड़े सपने देखे, जिन सपनों की बच्चों को फर्क तक ना से। लेकिन भाई जी, मारे को पूरा यकीन से कि लाखा आपके सपने सच जरूर करेगा। बस भाभी, मारे को तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब लाखा के कंधे में जो चोट लगी ना आयरन मैन के मुकाबले के वक्त, वो ठीक हो जाए। बस जैसे ही ठीक हो जाए, फटाफट मैं उसकी ना वो ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। जी भाई जी, मारे भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना से कि लाखा के कंधे की चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर वो अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़े और सपने सच करके ही दम ले। हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है? संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। कि मैं लाखा सिंह अलावत अपनी धर्म पत्नी कोमल सिंह अलावत को पहलवान कोमल सिंह अलावत बनाकर एक नया नाम और एक नई पहचान देने की घोषणा करता हूं। लक्की जी, मैं कुश्ती लड़ूंगी। कुछ प्यार में बात ऐसी है। लक्की जी, मैंने ना यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब एक खूबसूरत सपना लग रहा से। ना ना बड़ो, ये सपना ना से, ये हकीकत से। मैं तो इतनी खुश हूँ लक्की जी, मैंने तो बस उस दिन का इंतजार से कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और फिर हम साथ मिलकर कुश्ती लड़ेंगे। दंगल होगा, घना मजा आएगा ना लक्की जी। इसे जिसे आप लोगों का आयरन मैन का मुकाबला हो, वैसे विषय के जनानियों का आयरन जनानी पहलवान मुकाबला भी हो वैसे? ऐसा तो कोई टाइटल ना सा, पर औरतों को काम ही लड़ना हो वैसे। अगर तो अच्छा खेल दिखाएगी ना, तो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती है। लक्की जी, आप भी
मैं तो बस हो रही सू आसपास के गांव में ही खेलना है मन ने। मैं कहा नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंच सकती, जितना मिला ना लक्की जी मैं उतने में ही घनी खुश हूँ।